जय माता दी। डेली यात्रा ब्लॉग की जनता को प्रेम भरी जय माता दी। मैं हूं सोमनाथ शर्मा, डिस्ट्रिक्ट रियासी, जूनियर टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग्स। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं साथियों कश्मीर घाटी में अपने कुछ चाहने वालों के साथ गया था, और सबसे बड़ी बात अपने महिंदर भाई का एक ग्रुप आया था महाराष्ट्र के से, और उनके साथ मैं हैज़ ए टूर गाइड बन के जो है गया था मैं। और अभी कल शाम को मैं वापस कटरा पहुंच चुका हूं, और क्योंकि मेरी जो डेली यात्रा ब्लॉग की जनता है, काफ़ी लोगों के ये सवाल कमेंट्स आए कि कटरा का कैसा मौसम है, कैसी यात्रा चल रही है, क्योंकि एक लेटेस्ट और अथेंटिक और सबसे बड़ी बात सबसे पहले आगे सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। और सबसे पहले तो आप सब लोग दर्शन करो डिजिटली, क्योंकि ये है चरणपाद का मंदिर का दृश्य, और ठीक सामने अर्धकुंवारी मंदिर का दृश्य है, और घर बैठे साथियों अलौकिक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल रहे होंगे, और ये समूचे त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा है। तो एक बार लगा दो फिर घर बैठे ही जहाँ से भी देख रहे हो, जयकारा श्री वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो मेरी भी यही प्रार्थना है कि मेरे जितने भी देखने वाले फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, और भाई हैं, बहनें हैं, माएँ, सबको माता रानी का जो आशीर्वाद है हमेशा बना रहे, और ये प्रार्थना है कि माँ हम सब बच्चों को हमेशा खुशियों से गतिमान रखे। तो चलो अब बात कर लेते हैं यात्रा के लिहाज से। पिछले साल की थोड़ी मैं एक आंकड़ा बता दूं आपको, लगभग जो है 91 लाख श्रद्धालुओं ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं, और ये आंकड़ा साथियों पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। और अब बात कर लेता हूँ बीते कल का, यानी जो वर्तमान करंट यात्रा फिगर है, यात्रा अपडेट है। तो कल यात्रा जो है देश के अलग अलग राज्यों से माता रानी के दरबार में जो है लगभग जो मुझे जानकारी मिली है पर्यटक विभाग यानी जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट से, तो वो आंकड़ा है 19,500 का, यानी 19,500 श्रद्धालुओं ने हैं दर्शन किए हैं माता रानी के दरबार में। और इसके साथ साथ शिवकोड़ी, आप सब जानते हैं माता वैष्णो देवी दरबार के बाद लोग शिवकोड़ी जाते हैं, तो शिवकोड़ी में भी लगातार जो है यात्रा चल रही है। तो अब ले चलते हैं आपको पूरे जम्मू डिवीज़न के मौसम के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ में फिर आपको कश्मीर का भी ओवरऑल वेदर अपडेट आपको मैं शेयर कर दूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल मौसम आप लोग देख रहे हैं साथियों, ये आज की करंट वीडियो और मौसम का मिजाज बेहद सुहाना है, खुली धूप छाई हुई है और मौसम साफ रहता है। तो आप सब जानते हैं हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू एवं बैटरी कार, रोपे, सब सुविधाएं जो हैं चलती रहती है श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु जो हैं पैदल यात्रा करने में खुश रहते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। तो मौसम की अगर बात करें टिल 5 जनवरी यानी तक जो है मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से ये संकेत दिए हैं कि मौसम बिल्कुल क्लाउडली है और साफ में रहेगा, लेकिन 6, 7 और 8 70% जो है स्नोफॉल होने के चांसेस जो हैं वो बताए गए हैं जम्मू कश्मीर के ऊंचे ऊंचे पर्वतों में, जैसे कश्मीर की वादियों में पहलगाम, सोनामार्ग, गुलमार्ग जैसी जगहों पर 6 और 7 तारीख को फिर स्नोफॉल के संकेत जो हैं दिए गए हैं। तो चलो फिलहाल इन्हीं कुछ बातों के साथ, इन्हीं कुछ जानकारियों के साथ दीजिए अनुमति। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।